क्या आपको मैकेनिक्स, रोबोटिक्स या प्रोडक्शन इक्विपमेंट पसंद है? क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है? क्या आपको टेक्निकल और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज करने में मजा आता है? हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माफ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और प्रोसेस कंट्रोल को कंबाइन करके ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उसी का कोर है। आप कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम ले लीजिए या फिर कॉफ़ी मेकर, डिश वॉशर, हर चीज़ में मेकाट्रॉनिक्स यूज़ होता है। नेचर ऑफ वर्क। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे मोटर्स और सेंसर्स को इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट करके ऐसे मशीन्स और डिवाइसेस बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली काम कर सके। इसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स, ऑटोमेटेड और रोबोटिक सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में मेकाट्रॉनिक्स का यूज़ आर्टिफिशियल लिम्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, रिहैबिलिटेशन और सर्जिकल रोबोटिक्स बनाने में होता है। होम ऑटोमेशन में मेकाट्रॉनिक्स का यूज़ क्लाइमेट कंट्रोल, लाइटिंग और दूसरे एलिमेंट्स में होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेकाट्रॉनिक्स का यूज़ मोटर सेंसिंग गेम्स, एनिमेट्रॉनिक्स और 3D सिनेमा सिस्टम्स में किया जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में मेकाट्रॉनिक्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में यूज़ होता है। हाउ टू बिकम अ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के लिए कैंडिडेट को 12th पास करना है विद सब्जेक्ट्स PCM। JEE का स्कोर इंडिया के ज़्यादातर कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा आप स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर के साथ साथ इंटरव्यू और काउंसलिंग सेशन भी होते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो 10th के बाद डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके बीटेक के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। मास्टर्स करने के लिए कैंडिडेट के पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या दूसरे रेलेवेंट डिसिप्लिन की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग या फिर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। व्हाट टू लर्न। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपको मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम में लैबोरेटरी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग दी जाती है, जहां स्टूडेंट्स मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम के डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग के प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं। इस इंजीनियरिंग को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, मेकाट्रॉनिक्स इज़ जस्ट रोबोटिक्स। मेकाट्रॉनिक्स का मतलब सिर्फ रोबोटिक्स नहीं है। इसमें दूसरे डोमेन्स जैसे बायोमेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है। नंबर 2, मेकाट्रॉनिक्स इज स्टैटिक फील्ड। इस इंजीनियरिंग को लेकर नेक्स्ट मिसकंसेप्शन ये है कि ये चेंज या इवॉल्व नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। मेकाट्रॉनिक्स एक डायनामिक फील्ड है। सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के डिमांड के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, सो आप में चेंज अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, प्रैक्टिकल थिंकिंग। जो भी इंडिविजुअल्स मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को एज अ करियर ऑप्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करें, बिकॉज एज अ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको यहाँ कई बार डेडलाइंस का ध्यान रखना होगा। नंबर 2, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कस्टमर्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट करते हैं, इसीलिए आप में क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग स्किल होनी ज़रूरी है, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और काम करने के लिए कैपेबल बनाती है। नंबर 3, कंप्यूटेशनल स्किल्स। यहाँ आपके कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब है C, C++, पाइथन और मैटलैब। नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग। इस फील्ड में काम करने वाले इंडिविजुअल्स के अंदर रोज़ नए टेक्नोलॉजीज, टूल्स और मेथडोलॉजीज को अडेप्ट करने और सीखने की इच्छा ही उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी। इस इंजीनियरिंग को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं, तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, It's a growing industry. इंडिया में ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के बढ़ने से मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है. नंबर 2, देयर एबिलिटी टू अडैप्ट. इन इंजीनियर्स के पास डाइवर्स स्किल सेट होते हैं और इनकी अडैप्टेबिलिटी भी अच्छी होती है. ऐसे में डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग में इनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है. तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की. नंबर 1, जॉब मार्केट कंपटीशन. मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड इंक्रीज होने से जॉब मार्केट में एंट्री लेवल पोजीशंस पर कंपटीशन काफी बढ़ रहा है. जिन कैंडिडेट के पास एडवांस डिग्रीज और स्पेशलाइज्ड स्किल्स है उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है. नंबर 2, इंटेंसिव वर्कलोड. मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम को बनाने में बहुत टाइम लगता है और इसके लिए ज़्यादा टेस्टिंग और डीबगिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टाइट डेडलाइंस और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट इन्हें झेलना पड़ सकता है. जॉब अपॉर्चुनिटीज. नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अच्छी डिमांड है. ये इंजीनियर्स प्रोडक्शन लाइन में यूज होने वाले ऑटोमेटेड सिस्टम को डिजाइन और मेंटेन करते हैं ताकि इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो. नंबर 2, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का रोल इम्पॉर्टेंट है. ये इंजीनियर्स यहाँ एडवांस व्हीकल सिस्टम के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और ऑटोनोमस व्हीकल्स. नंबर 3, रिन्यूएबल एनर्जी. ये इंजीनियर्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड टर्बाइंस और सोलर पावर सिस्टम के लिए कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं. नंबर 4, हेल्थकेयर. हेल्थकेयर सेक्टर में मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक्स, सर्जिकल रोबोट्स, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिहैबिलिटेशन सिस्टम्स. नंबर 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब में अपना करियर बना सकते हैं. अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं. इंडिया में इंडस्ट्रीज 4.0 प्रिंसिपल को तेजी से अडॉप्ट कर रही है, जैसे ऑटोमेशन, डेटा एक्सचेंज, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI. रोबोटिक्स हो, ऑटोमेशन हो, स्मार्ट डिवाइसेस हो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमेशा आगे रहती है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर विजिट आवर वेबसाइट, लिंक ऑफ व्हिच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, एंड डू चेक आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.